हम थोड़ा आगे बढ़े, सर्दी खांसी जुकाम ये तीनों एक ही फैमिली की डिसीज है और इनकी मेडिसिन भी लगभग एक ही है। क्या क्या मेडिसिन है इसके लिए अपने रसोई में? सबसे अच्छी मेडिसिन है अपने रसोई में अदरक। अदरक को ही दूसरे नाम में सौंठ कहते हैं। अदरक सूख जाता है तो सौंठ हो जाता है, अदरक सूख जाता है तो सौंठ हो जाता है, तो अदरक या सौंठ इसकी बेस्ट मेडिसिन है। दूसरी बेस्ट मेडिसिन है वो हल्दी है। तीसरी बेस्ट मेडिसिन सर्दी खांसी जुकाम की चूना है। चौथी बेस्ट मेडिसिन सर्दी खांसी जुकाम की किशमिश है। पांचवी मेडिसिन सर्दी खांसी जुकाम की दालचीनी है। मुनक्का अलग है, किशमिश अलग। फिर से बता देता हूँ, सबसे अच्छी दवा है अदरक है, दूसरी हल्दी है, तीसरा चूना है, चौथी दालचीनी है, फिर किशमिश है, और इसमें आप मेथी दाना भी यूज कर सकते हैं। इतनी दवाएं हमारे रसोई में हैं सर्दी खांसी जुकाम के लिए। और इसके साथ कुछ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है जो मेन मेडिसिन के साथ मिक्स करके यूज करते हैं, वो है काली मिर्च, तुलसी का पत्ता, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। मेन मेडिसिन है अदरक, मेन मेडिसिन है दालचीनी, मेन मेडिसिन है मेथी दाना, मेन मेडिसिन है चूना, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, उसमें से एक है तुलसी, उसमें से एक है काली मिर्ची। अब इनको यूज कैसे करना है? यूज करने का तरीका, अदरक है उसका रस निकाल लीजिए, अदरक रस को निकाल लीजिए और इसमें थोड़ा शहद मिला के हल्का गर्म करके पी लीजिए, ये एक तरीका। दूसरा तरीका है अदरक का रस निकाल लीजिए, उसमें तुलसी का रस मिला लीजिए और हल्का गर्म करके शहद मिला के ले लीजिए, वो दूसरा तरीका। गर्म करने के बाद ही शहद मिलता है, शहद मिला के कोई चीज गर्म नहीं कर सकते। अगर शहद नहीं है तो गुड़ ले लीजिए, गुड़ भी चलेगा। अब डोज कितना लेना है? एक बार में एक चम्मच से ज्यादा नहीं, सब मिलाकर एक चम्मच। अब आप खुद डिसाइड कर लेना, सब मिला के एक चम्मच, अदरक का रस, तुलसी का रस और शहद, तीनों मिला के एक चम्मच। सुबह सुबह ले लीजिए खाली पेट, बहुत अच्छा है। एक बार दोपहर को भी ले सकते हैं, एक बार शाम को, ये तीन बार ली जा सकती है दिन में सर्दी खांसी जुकाम के लिए। झुंझलाहट वही होगी तो उसमें बीपी नहीं बढ़ा होगा, बीपी नहीं बढ़ाता ये, झुंझलाहट का दूसरा कोई कारण हो सकता। इसी तरह से सर्दी खांसी जुकाम में हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी को सबसे अच्छा तरीका है खाने का दूध में मिला के, जो हजारों साल से इस देश में इस्तेमाल हो रहा है, दूध में मिला के, और मिला के इसको बॉईल करना पड़ता है दूध को, फिर उसका असर आता है। दूसरा तरीका है कि अगर दूध उपलब्ध नहीं मत डालिए, बिना गुड़ के खाने की कोशिश करिए, हो जाए तो अच्छा, बिल्कुल ना जाए तो देख लीजिए थोड़ा बहुत। अगर किसी कारण से दूध नहीं ले सकते या दूध उपलब्ध नहीं है तो पानी में भी बॉईल किया जा सकता है हल्दी को और लिया जा सकता है। जेड़े दूध च पा के लेना, जे दूध रात नु पीण दा समय उस टाइम पी जा सकते, उसी समय लेना। अच्छा, तो सर्दी खांसी जुकाम में हल्दी है, पानी में ले सकते हैं, दूध में ले सकते हैं, और है जी मात्रा हमेशा चौथाई चम्मच सर्दी खांसी जुकाम के, इससे ज्यादा नहीं। कच्ची हल्दी मिल जाए तो और भी अच्छा, छोटे टुकड़े करके दूध में बॉईल कर लीजिए उसे। और इसी हल्दी को और एक बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं आप, टॉन्सिलाइटिस। ये बच्चों की जो बीमारी है ना टॉन्सिल, उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉन्सिलाइटिस बेस्ट मेडिसिन है ये टॉन्सिलाइटिस की। टॉन्सिलाइटिस में भी अक्सर क्या होता है, जब भी बच्चे को होगा आप डॉक्टर के पास जाएंगे, इमीडिएट कहेगा ऑपरेशन करा दो, काट के निकाल दो। एक ही मिनट लगता है उसको ये कहने में कि ऑपरेशन करा दो, काट के निकाल दो। ऐसे समझता है जैसे फालतू दे दिया भगवान ने। एक आजकल के एक तो डॉक्टर माताओं को बोलते हैं कि अपना गर्भाशय काट के निकलवा दो, और ये दूसरा टॉन्सिलाइटिस के लिए बोलते हैं। ये दोनों ही अगर आपने निकलवा दिए तो फिर भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकता, ये जान लीजिए। एक बार बच्चे का टॉन्सिलाइटिस का आपने ऑपरेशन करा दिया और कट के निकल गया,
फिर जिंदगी भर उसको ना कोई दवा काम आएगी, उसको उस तकलीफ के साथ ही जिंदा रहना पड़ेगा। इसलिए ये गलती कभी मत करिए अपने बच्चों के साथ। हाँ मैं बता रहा हूं, तो टॉन्सिलाइटिस के केस में भी इसी हल्दी को इस्तेमाल करिए। बस तरीका उसका इतना ही है कि टॉन्सिलाइटिस अगर बहुत ज्यादा क्रोनिक है, माने बहुत पुराना हो गया है, तो हल्दी को सीधा इस्तेमाल करना है, न दूध में न पानी में, सीधे हल्दी इस्तेमाल करनी है। कैसे? चम्मच में हल्दी भर लिया और मुंह जितना खुल सकता है उसमें अंदर ले जाके चम्मच छोड़ दीजिए, डाल दीजिए, फिर लार के साथ मिलके ये अंदर उतरेंगे। एक हफ्ते में 3 दिन भी आपने कर दिया तो चौथे दिन से उस बच्चे के टॉन्सिल हमेशा के लिए ठीक हो जाए, इतना इफेक्टिव। आधा चम्मच अगर टॉन्सिलाइटिस क्रोनिक है तो, एक्यूट है माने हाल फिलहाल में हुआ है, 15-20 दिन, महीना दो महीना, तो आप उसी तरह से दूध में लीजिए इसको या पानी में लीजिए। बच्चे दूध से ज्यादा हल्दी पानी है जी, उसका बिना मिक्स करके पीने में मिश्री पाई जाए या की पाई, मिश्री दे दीजिए चल जाएगा। सर जो सीधी हल्दी है उस पानी से बात पीना, सीधी हल्दी नहीं, पानी नहीं पीना है, वो लार के साथ अंदर जाएगा, पानी उनको घंटे भर तक नहीं देना। और इसमें थोड़ा एक और दूसरी बीमारी इसी से जुड़ी, थ्रोट इन्फेक्शन, गले में खराश हो गई और गले में किसी तरह का इन्फेक्शन है, गला बैठ गया है, तकलीफ ऐसी है, पानी भी पीने में तकलीफ हो रही है, आपकी लार निकलने में भी तकलीफ हो रही है, इस तरह का इन्फेक्शन है, आवाज भारी हो गई है, ये सब के लिए यही हल्दी इस्तेमाल करना है, दूध में घी के साथ। हल्दी, दूध और घी, घी माने गाय का, हल्दी, दूध और घी, एक गिलास दूध रहेगा, चौथाई चम्मच हल्दी रहेगी, एक चम्मच घी रहेगा, ये तीनों को मिक्स करके बॉईल करना है, बॉईल करके खूब गरम गरम चाय की तरह से पी, शाम को ही काफी है इस बार। है जी, फिर से रिपीट करता हूँ, एक गिलास दूध, चौथाई चम्मच हल्दी, एक चम्मच घी, घी माने गाय का, इसको एक दूसरे में मिला के खूब बॉईल करिए और इतना गर्म हो चाय जैसा, और चुस्कियां लेके पीना सिप करके। नहीं नुकसान तो कुछ भी, अच्छा भला भी पी सकता है, बस मात्रा हल्दी की थोड़ी कम कर दीजिए। शुगर डालना है, शुगर है जी, शुगर माने चीनी, नहीं चीनी को तो विदा कर दीजिए, थोड़ा गुड़ ले लिया तो चलेगा, चीनी तो छोड़ ही दीजिए, उस साइड से तो भी निकल जाएगा, थोड़े दिन लगातार लेना पड़ेगा, 5-6 दिन उसमें निकल जाएगा। और जुकाम के लिए मैं और एक दवा बता चुका हूँ जो पहले से ही आपको मालूम है, चूना, चूने को इसी तरह से जैसे बताया हुआ है आप यूज कर लीजिए तो जुकाम ठीक कर देगा।